हमारे समाज में रोड वाली नीतियों के चलते बालिकाओं की शिक्षा पर ध्यान नहीं दिया जाता, लेकिन अगर उन्हें अच्छी शिक्षा मिल जाए तो वो ऊंचे मुकाम तक पहुंच जाती हैं। इनमें एक है संगीता अग्रवाल, जिन्होंने अपनी मेहनत के बल पर एक ऊंचा मुकाम हासिल किया है। युवाओं, खासकर महिलाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत है। संगीता अग्रवाल का जन्म एक व्यापारिक एवं राजनीतिक परिवार में हुआ। पिताजी श्री नानक चंद्र अग्रवाल ने अपने जीवन में जयप्रकाश नारायण एवं प्रोफेसर मधुर दंडवते के सानिध्य में युवा जन आंदोलन में अहम भूमिका निभाई थी। वही विचार एवं संघर्ष करने की भावना उन्होंने अपनी पहली संतान संगीता अग्रवाल को दी। यहां तक कि संगीता का नामकरण भी जयप्रकाश नारायण एवं प्रोफेसर मधु दंडवती ने किया था। संगीता स्वर्गीय मां श्रीमती संतोष अग्रवाल ने हमेशा जीवन में मेहनत के साथ मूल्यों पर खड़े रहने की शिक्षा दी। अग्रवाल परिवार स्वतंत्रता आंदोलन से लेकर समाज में फैली कुरीतियों के खिलाफ हमेशा खड़ा रहा। यही प्रेरणा संगीता अग्रवाल को विरासत में मिली। संगीता ने अपनी पत्रकारिता की शुरुआत कॉलेज के दिनों में ही पुस्तक एवं दैनिक अखबारों में कहानियां लेख लिख कर की है। कई प्रतिष्ठित समाचार पत्रों का चैनलों में काम करने के बाद इस समय संगीता अग्रवाल टीवी न्यूज नई दिल्ली में समाचार संपादक के रूप में कार्यरत है और अपनी बेबाक निष्पक्ष खबरों के बारे में जानी जाती है। मेरा नाम संगीता अग्रवाल है और मैं एक पत्रकार और लेखिका हूँ। मेरे लिए पत्रकारिता एक मिशन है और लेखन मेरे लिए विचारों की अभिव्यक्ति है। मैंने 17 साल की उम्र से ही पत्रकारिता में किताबें लिखना शुरू कर दिया था। पत्रकारिता बहुत ही कठिन और जोखिम से भरा प्रोफेशन है। इसमें न दिन होता है न रात होता है और पत्रकार को केवल और केवल बिना थके रुके काम करते जाना है। इस कोरोना काल में भी मैं और मेरे साथी बिना थके न अपनी जान की परवाह करते हुए समाज तक खबरें पहुंचाने का काम जारी रखे हुए हैं। मेरे लिए पत्रकारिता एक मिशन है और जीवन पर्यंत मेरा लेखन कार्य जारी रहेगा।